हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म में फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले कई चीज़ें आपको ध्यान में रख के फोटो सिग्नेचर अपलोड करना चाहिए। जैसे कि जो भी फोटो आपने लिया है उसका बैकग्राउंड और भी जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम करेक्ट है कि नहीं। देन उसके बाद से जो आगे का प्रोसेस होगा, जैसे कि फाइल साइज़ को मेंटेन करना या फिर फाइल साइज़ को रिड्यूस करना, तो ये सारी चीज़ें आप उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि आपकी जो फाइल है यानी कि जो फोटो है वो किस तरह से है। यानी कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए आपकी, जैसे कि आपने गॉगल पहना है या फिर मास्क पहना है या फिर ब्लर है, ठीक है, यानी कि साइड व्यू है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो होना चाहिए वो एकदम फ्रंट फेस आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए या फिर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, देन उसके बाद ही आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड करिएगा। देन उसके बाद से बात आती है कि हम सिग्नेचर की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिग्नेचर जो है हम ब्लॉक लेटर में लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं कि नहीं। तो नहीं, सिग्नेचर आप जैसे कि नॉर्मली करते हैं उस तरह से करना होता है। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से भी जाके इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से हम बैकग्राउंड रखें, क्या फाइल साइज़ होनी चाहिए, जैसे कि 35 mm से 45 mm फाइल साइज़ होनी चाहिए, और इसका पिक्सल का भी डिटेल दिया हुआ है कि 320 से 240 पिक्सल के बीच होनी चाहिए, फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट में, और 100 DPI रिजोल्यूशन का स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका 20 से 50 KB की फाइल साइज़ होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके ही आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना चाहिए। उसके बाद एक खास बात ये कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो काफी पुरानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है 2-3-4 महीने पुरानी फोटो चल जाएगी, बट अगर आपकी फोटो 1-2 साल पुरानी फोटो है देन वो फोटो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। ओके, तो आपको रिसेंट जो है वो फोटो स्टूडियो में जाके वो खिंचानी होगी, आप खुद से मोबाइल से या फिर सेल्फ कंपोज करके जो फोटो अपलोड करते हैं तो हो सकता है वो भी रिजेक्ट हो जाए। और यहाँ पे एक और खास बात लिखी है कि जो भी आप फोटो बनवाएंगे उसकी 12-13 कॉपियाँ अपने पास रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो भी प्रोसेस होंगे रिक्रूटमेंट के तो उसमें आपको ये लगानी होगी, पेश करनी होगी, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। एंड इसके बाद अगर आप बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर में खास बात यह है कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो ब्लैक बॉल पॉइंट से होना चाहिए, यानी कि ब्लैक कलर का आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्लू कलर से करते हैं तो भी ठीक है, बट वो अगर ज़्यादा डार्क नहीं है तो उसको मैच कराने में आगे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो दिक्कत होगी। तो ब्लैक पेन से अगर आप करेंगे सिग्नेचर तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड इसके अलावा अगर आप ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर करते हैं तो उस ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर नहीं करिएगा। आप जिस तरह से नॉर्मली अपना नाम लिखते हैं सिग्नेचर करते हैं उस तरह से सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है। और इसका भी जो साइज़ है और फॉर्मेट है वो सारी चीज़ें सेम है। और डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो 50 mm से 20 mm, और जो पिक्सल का साइज़ है वो 140 से 160, और साइज़ जो है वो 10 KB से 40 KB है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हम लोग फोटो सिग्नेचर को किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी आप जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो डायरेक्ट अगर आपने अपने मोबाइल से लेके कंप्यूटर में डाला और उसको अपलोड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे एक मैसेज आया कि फोटोग्राफ कैन नॉट बी एक्सीड 50 KB, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अपलोड नहीं हो पाएगी। इस वीडियो में मैं आपको एक ऑनलाइन सोल्यूशन दूंगा जिसमें कि आपको कहीं भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट उस वेबसाइट में जाइए, जो वेबसाइट का नाम है वो है IM Resizer, ठीक है। IM Resizer जब आप इसमें डालेंगे तो जो सबसे पहला जो पेज आएगा आपको इस पर क्लिक करना होगा, एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप फाइल हेयर टू क्लिक अपलोड, तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले अगर आपको फोटो इसको बनानी है तो आप फोटो इसको लीजिए, एंड यहाँ पे उसके बाद से सारे ऑप्शन आते हैं कि किस तरह से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से अच्छे से इसको आप क्रॉप कर लीजिए, पूरा जो है वो क्रॉप करके इसको यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट करके। एंड यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपको रिसाइज का ऑप्शन मिलता है, तो रिसाइज आपको देखना होता है कि 300 DPI, ठीक है। कभी कभी आपका 200 DPI मांगता है, कभी कभी आपको 100 DPI मांगता है, तो अलग अलग जो है वो DPI की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आपका फाइल का जो साइज़ है वो मेंटेन हो रहा है तब DPI में वो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आपको MM में सेट करना है, क्योंकि हमारे जो फॉर्म में है वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 35 mm से 45 mm, तो हम MM में डायरेक्ट बनाते हैं। तो MM हमें चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए 35, और जो हाइट हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, वो चाहिए हमें 45। एंड उसके बाद से हम यहाँ पे रिसाइज करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारा जो फाइल है वो बनती है। तो यहाँ पे जो है हमारी फाइल बन के आ चुकी है, और उसका फाइल का साइज है वो 18.7 KB दिखा रहा है, ठीक है। और हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है 20 KB से 50 KB के बीच, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको आगे थोड़ा और बढ़ाएंगे। इसका जो साइज़ है वो 29.87 KB हो गया है, तो जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे JPG फॉर्मेट में है तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
एंड यहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। देन उसके बाद से हम लोग अगर सिग्नेचर को अपलोड करना चाहते हैं तो हम लोग सिग्नेचर को भी इसी समय बना लेते हैं। तो सिग्नेचर के लिए जो डायमेंशन थी वो क्या थी, वो यहाँ पे जैसे कि आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर लीजिए, जो डैड यहाँ पे रिसाइज पे भी आप जा सकते हैं। तो रिसाइज पे जाने के बाद यहाँ पे विड्थ हमें पिक्सल में नहीं चाहिए, हमें एमएम में चाहिए। तो विड्थ जो है वो हमारी है 50, ठीक है, और जो हाइट है वो हमारी है 20। तो यहाँ पे इसको मैंने किया एंड उसके से रिसाइज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है 12.52 KB एंड हमें कितना चाहिए मिनिमम, हमें 10 KB से 40 KB चाहिए। तो ये हमारा जो फाइल साइज है वो एक्सेप्टेबल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम है कि सेव कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका इसका कम दिखा रहा है तो आप यहाँ से फिर से मीटर को आगे बढ़ा के अपना जो फाइल का जो साइज़ है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें DPI मैंने बदली नहीं है, मैंने DPI इसमें 300 रहने दी है। तो हम लोग इसको अपलोड करके देखते हैं, अगर DPI में प्रॉब्लम आएगी देन उसके बाद से हम लोग DPI में भी सेटिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे कि हमारे फोल्डर में यहाँ पे बन के आ चुका है, IM Resizer नाम से ही आ जाएगा। बट अब हमें इसको अपलोड करना है और देखना है कि क्या अपलोड हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपलोड किया था, तो यहाँ पे ये चीज़ अपलोड दूसरी फोटो हो गई थी, इसमें आप कन्फ्यूज़ ना होगा, ठीक है। तो मैं अब नया अपलोड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैं IM Resizer नाम से जो फाइल है उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपलोड बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, हो सकता है फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड उसी तरह से हम अगर सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो चूज़ फाइल करते हैं और यहाँ पे IM फाइल साइज रिव, तो इसको हम फिर से करते हैं, तो यहाँ पे अपलोड फोटो करते हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी जो हमारी है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप आसान तरीके से ऑनलाइन तरीके से फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, और ये फ़ोन और कंप्यूटर दोनों में काम करता है। तो इसमें कहीं भी आपको कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, MS पावर पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से मेथड ये काम नहीं आता है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो मेथड बताया है आप उसको भी फॉलो करके अपना जो फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें भी मैंने एकदम इजी स्टेप से बताया है। बट उसमें मैंने ऑफलाइन तरीके से यानी कि पावर पॉइंट तरीके से बताया है, एंड इस वीडियो में मैंने आपको ऑनलाइन तरीके से बताया है जिससे कि आप आसानी से फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी जो प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को फिल करने में, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करके बताऊंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, तो जल्दी ही आपको उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।